हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 28 जनवरी 2021 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल को लेकर, आईपीएल 2021 को लेकर, इसके साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज़ को लेकर 8 काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट के बड़े फैंस हैं या फिर आप लोग भी हमारी तरह आईपीएल के स्टार्ट होने का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि शायद अभी की सबसे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि आईपीएल नीलामी की डेट हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर एक्टिव हैं तो कल शाम वाली वीडियो में भी हमने आपको बता दिया था कि आईपीएल नीलामी की डेट ऑफिशियली हमारे सामने आ चुकी है। 18 फरवरी को चेन्नई में आप लोगों को फुली फ्लैश्ड ऑफलाइन ऑक्शन देखने को मिलेगा। इस ऑक्शन में 250 प्लेयर्स के ऊपर आपको बोली लगते हुए नजर आएगी और गाइस जैसा कि मैं आपको पहले भी चैनल के ऊपर बता चुका हूं कि इन सारे प्लेयर्स की लिस्ट हमारे सामने ऑलरेडी आ चुकी है, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप ये लिस्ट जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, क्या उनका बेस प्राइस है, तो आप लोग नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए, आपको आज वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। ऑक्शन में जिन जिन प्लेयर्स ने अपना नाम दिया है उनके सारे लिस्ट की कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग बताइए आईपीएल नीलामी के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके साथ ही आप लोगों की फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी टीम को आप लोग आईपीएल 2021 में सपोर्ट करने वाले हो। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 ट्रेड विंडो को लेकर। पहले जब ऑक्शन की तारीख हमारे सामने निकल कर आई थी एस्टिमेटेड, तो वो थी 11 फरवरी। उसके बाद ऑक्शन की डेट एक्सटेंड हो चुकी है और क्योंकि बीसीसीआई ने अब कंफर्म कर दिया कि 18 फरवरी को ऑक्शन होगा, तो ऐसे में ट्रेड विंडो आप सब लोग जानते ही होंगे कि ऑक्शन के एक हफ्ते पहले तक चलती है, तो ऑटोमेटिकली अब ट्रेड विंडो शिफ्ट हो चुकी है 4 फरवरी से सीधा 11 फरवरी तक, यानी कि अब सारी टीमों को 11 फरवरी तक का टाइम दे दिया गया है ट्रेड करने के लिए। ट्रेड विंडो एक्सटेंड हो जाती है जब आपकी ऑक्शन की डेट एक्सटेंड होती है, तो ऑक्शन होगा 18 फरवरी को और ट्रेड विंडो आप लोगों को 11 फरवरी तक ओपन रहते हुए नजर आएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर्स को आप लोग ट्रेड होते हुए देखना चाहते हो। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि एक बार फिर से आईपीएल की नीलामी के प्रोटोकॉल्स को लेकर आ रही है। अब ऑब्वियसली आप लोग जानना चाहते होंगे कि ऑक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्शन आप लोगों को ऑफलाइन ही देखने को मिलेगा। इसके लिए बीसीसीआई ने अपनी तैयारियां भी कंप्लीट कर ली हैं, उन्होंने जो गाइडलाइंस बताई हैं उसके हिसाब से सारी टीमों के जो ओनर्स हैं, जो जो भी वहां पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो उस टीम के कोच हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि उनकी स्ट्रेटजी बनाता है ऑक्शन में, उनको 2 कोविड के टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर दोनों टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो ही उनको ऑफलाइन ऑक्शन का हिस्सा बनने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो इस तरीके से बीसीसीआई नीलामी से पहले आप लोगों को बायो सिक्योर बबल मेंटेन करते हुए नजर आएगी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे गाइज ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस बार हमें ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही ऑक्शन देखने को मिलेगा, जो कि क्रिकेट के हिसाब से और आईपीएल के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है एमएस धोनी के लिए, उनके फैंस के लिए। हम लोग जानते हैं कि एमएस धोनी जब वो आईपीएल का हिस्सा नहीं होते, अब क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, तो उस बाकी बचे टाइम को वो पसंद करते हैं स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन जाकर, यानी कि टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, न्यूज़ कवरेज से वो दूर रहते हैं। और गाइज एमएस धोनी ने अब एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी खोल ली है अहमदाबाद में। हमने आपको करीब एक महीना पहले बताया था कि इस तरीके की क्रिकेट एकेडमी वो खोलना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिनमें क्रिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशन है, लेकिन पैसे की वजह से या फिर दिक्कतों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि इनको अप्रोप्रिएट चांस दिया जाए और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं क्रिकेट में, उनको यहाँ पर पैसे या फिर कोई और तरीके की दिक्कत ना देखने को मिले। तो एमएस धोनी ने बहुत अच्छा यहाँ पर स्टेप लिया है। देखने वाली बात होगी एमएस धोनी क्रिकेट जो एकेडमी है वो किस तरीके से आगे प्रोसीड करती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों का एमएस धोनी के इस क्रिकेट एकेडमी के ऊपर क्या ओपिनियन है। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से रिलीज किए गए क्रिस मॉरिस को लेकर। आरसीबी की टीम ने क्रिस मॉरिस को रिलीज कर दिया था क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपने बैलेंस पर्स को इंक्रीज करना था और मॉरिस के अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी 10 करोड़ उनका प्राइस होने के कारण आरसीबी ने उनको रिलीज कर दिया था। हालांकि बाद में आरसीबी के ऑफिशियल चैनल पर बोला गया था कि वो मॉरिस को वापस खरीदना चाहते हैं, लेकिन गाइज अब और भी टीमें मॉरिस को खरीदने की रेस में आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि एमएस धोनी जो कि प्रेफर करते हैं कि उनकी टीम में ऐसे प्लेयर हों जो बैटिंग भी कर सकें, बॉलिंग भी कर सकें, कहीं पर भी बैटिंग कर सकें, कहीं पर भी बॉलिंग कर सकें। सीएसके की टीम इंटरेस्टेड हो चुकी है क्रिस मॉरिस में। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम उनको वापस लेना चाहती है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स स्टोइनिस के साथ एक और ऑलराउंडर को अपनी टीम में देखना चाहती है। तो अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा कम पैसे में मॉरिस को खरीदना, क्योंकि मॉरिस के लिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्रिस मॉरिस के ऊपर आप लोगों को क्या लगता है, कितने रुपए की बिडिंग हो सकती है। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में। और फाइनली पिछले काफ़ी टाइम से SRH के फैंस के लिए कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी, लेकिन गाइज अब एक अपडेट आई है जो कि बहुत ही बड़ी है। मोहम्मद नबी जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के एक इंटीग्रल पार्ट हैं, उनको खेलने का चांस नहीं दिया जाता। हम लोग जानते हैं कि SRH की टीम फॉरेन प्लेयर्स को लेकर हमेशा फंसती है, चाहे वो केन विलियमसन हो, जॉनी बैरिस्टो हो या फिर मोहम्मद नबी हो, इनमें से दो प्लेयर्स हमें हमेशा बाहर देखने को मिलते हैं। और गाइज यही वजह है कि मोहम्मद नबी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लीव करना चाहते थे। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वो खुश नहीं है कि SRH की टीम उनको बेंच पर रखती है, क्योंकि वो खेलना चाहते हैं लेकिन SRH की टीम में क्योंकि मजबूरी है उनको वो खिला नहीं सकते फोर फॉरन प्लेयर के रूल की वजह से। और गाइस किंग्स इलेवन पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीमों ने ऑलरेडी ट्रेड का ऑफर दिया था SRH की टीम को मोहम्मद नबी। ऑब्वियसली सारी टीम उनको अपनी टीम में देखना चाहती हैं, लेकिन SRH की टीम ने ट्रेड करने से मना कर दिया। अब गाइस नबी का इस साल भी खेलना मुश्किल है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद अफोर्ड नहीं कर सकती उनको खिलाना। तो देखने वाली बात होगी क्या इक्वेशन नबी की सनराइजर्स हैदराबाद के साथ बनती है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है जिसको वो फॉर श्योर यहां पर ब्रेक नहीं कर सकते। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आपके हिसाब से SRH की टीम को नबी को रिलीज कर देना चाहिए था। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि यहां पर खबर अच्छी नहीं है। सौरभ गांगुली जो कि कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे कार्डियक अटैक के चलते कोलकाता में, उसके बाद वो रिकवर हो गए थे, फिट एंड फाइन हो गए थे, उसके बाद उन्होंने मीटिंग्स भी करी थी, लेकिन गाइज अनफॉर्चुनेटली कल एक बार फिर से सौरभ गांगुली को सेम प्रॉब्लम, यानी कि चेस्ट पेन की वजह से, कार्डियक की प्रॉब्लम की वजह से फिर से हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। हालांकि अभी उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन उनको एडवाइस किया गया है कि वो एटलीस्ट 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही अपना वक्त गुजारें ताकि वो अच्छे तरीके से रिकवर हो पाए। तो ऐसे में सौरभ गांगुली एक बार फिर से हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं, तो हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी सौरभ गांगुली हमें हॉस्पिटल से बाहर आते हुए नजर आए और वो पहले की तरह फिट एंड फाइन हो जाएं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है IPL 2021 के वेन्यूज को लेकर। अब क्योंकि ऑक्शन की डेट आ चुकी है तो IPL की तैयारियां भी ऑब्वियसली स्टार्ट हो गई हैं। BCCI ने जो अपने दिमाग में स्ट्रक्चर तैयार किया है, खाका तैयार किया है, वो श्योर है IPL भारत में ही होगा। लेकिन गाइज वेन्यूज को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है कि ऑब्वियसली आप लोगों को अगर होम और अवे वाला कॉन्सेप्ट रखना है बना के, तो फिर आपको आठों टीमों के जितने भी स्टेडियम्स हैं, जितने भी उनके होम वेन्यूज हैं, उन सबको पिक्चर परफेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो बायोसिक्योर बबल हो या फिर वो प्रोटोकॉल्स हो या फिर ट्रैवलिंग की दिक्कत हो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है और ट्रैवल वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। और यही वजह है कि मुंबई, अहमदाबाद और पुणे सिर्फ इन 3 वेन्यूज के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली आपको IPL 2020 देखने को मिलेगा, जो कि मुंबई इंडियंस की टीम को बहुत ही बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से अगर वेन्यूज मुंबई और उसके आसपास ही रहते हैं तो क्या आपको लगता है कि MI की टीम को कोई टीम टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट करके आप लोग बताइए अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक या फिर किस टीम के ऊपर देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोग उसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।